सुपर 90 क्लासेस लाइब्रेरी। हमारे साथ है आज लाइब्रेरी की नवोदय विद्यालय मल्ला की टॉपर ईश्वर्या सूर्यवंशी। वो सर्द भरी रातों में, ठंडियों में रात को 9 से 10 बजे तक बड़ी शालीनता के साथ माता पिता का वो कठिन परिश्रम, रात को 9:30 बजे क्लास ओवर होने के बाद मम्मी और पापा का गेट के बाहर बैठे रहना और ऐश्वर्या को ले जाना यहाँ से भल्ला तक, और डेली मॉर्निंग में 7 बजे 8 बजे बच्चों का आ जाना, मॉर्निंग क्लास अलग अटेंड करना, इवनिंग क्लास अलग अटेंड करना और ज़रूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा क्लासेस को अलग अटेंड करना। उसका परिणाम, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और सफलता के बात करने के लिए जब कठिन परिश्रम किया जाता है तो परिणाम कुछ ऐसे ही आते हैं। आइए हम जानते हैं ऐश्वर्या के कठिन परिश्रम की कहानी, ऐश्वर्या की जुबानी। ऐश्वर्या बेटा अपना परिचय दें और बताएं कि ये अचीवमेंट कैसे हुई, टीचर्स के क्या रोल रहे, मम्मी पापा के क्या रोल रहे और इस मुकाम तक आप कैसे पहुँचे। मेरा नाम ऐश्वर्या सूर्यवंशी है, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्र हूँ। नवोदय से यहाँ तक आना भले ही बहुत कठिन परिश्रम रहा उन सर्दियों में, लेकिन सब वर्थ इट रहा। यहाँ के जो टीचर्स हैं वो इतने फ्रेंडली हैं, इतने अच्छे सपोर्ट सिस्टम है, यहाँ पे इतनी अच्छी पढ़ाई होती है, इतना अच्छा सपोर्ट करते हैं, मेंटली फ्री रखे और गाइडेंस। यहाँ पढ़ाई तो चलती है, पढ़ाई के साथ साथ पर्सनैलिटी पे इतने वर्क किए जाते हैं। टीचर्स मानो तो यहाँ पे मेंटर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आप जो मान लें भैया है, दीदी, आपके गाइडेंस, आपको गाइड करने वाले यहाँ बहुत लोग हैं। चाहे वो कोई भी परेशानी हो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो कोई भी हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे मेंटली हो, लेकिन यहाँ अगर आप हैं तो आपको कभी वो परेशानी नहीं लगेगी। यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं, भैया, दीदी, वो हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। और मेरा और मेरे जो माता पिता हैं वो सुपर 90 के पढ़ाई से एकदम सेटिस्फाइड है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि यहाँ पे कैसे पढ़ाई होता है। हम लोग में जो भी चेंजेस आए यहाँ आने के बाद, मैं गर्व से कह सकती हूँ ये कि हाँ, मैं सुपर 90 की छात्र हूँ। और बेशक, और जैसे कि मेरा बड़ा भाई रहा है, वो यश सूर्यवंशी, वो भी मेरे साथ ही पढ़ता था, उसको मतलब जब भी वो डिस्ट्रैक्ट हुआ, भैया हमेशा गाइडेंस के लिए उसके साथ खड़े रहे। बेशक उसको उस समय बहुत ख़राब लगता था, लेकिन हाँ, जिस दिन रिजल्ट आया, जैसे कि कल, उस दिन वो मुझे बोल रहा था कि अगर मैं वहाँ रहता ना, मैं तुरंत भैया के पास चल जाता। तो वो भैया की डांट को बहुत याद कर रहा था और अभी भी करता है। तो मेरा मानना तो यही है कि सुपर 90 ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है और आगे भी मेरे से जितना होगा मैं हमेशा लिंक रखूंगी सुपर 90 से। थैंक यू बेटा, हमारी और सुपर 90 की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इट्स ओके।